So once again, a hearty welcome to all of you in this beautiful session. This is the third session concerning to the criticism, and in this session of the revision, we are again going to focus on 20 questions. So let's turn to the first question, which is it? It is about what? It's about again psychoanalytic criticism. Even for the mature individual, analytical theory posits that inner conflicts between conscious and unconscious forces result in what? तो जब भी conscious और unconscious forces का जो conflict होता है उसका result क्या होता है? A compromise formation, उसका एक ही result होता है, वो क्या होता है? Compromise formation. So what is conscious and unconscious force? That things again I would like to focus here. Already I had discussed it in last lectures when I was discussing psychoanalytical theory. Psychoanalytical theory के बारे में जब मैं discuss कर रहा था तो मैंने आपको जब ये conscious और unconscious forces एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या create होता है, उसका result क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था. तो क्या result होता है उसका? Again the result is a compromise formation. तो दोनों भी compromise कर देते हैं और compromise में से expose क्या होता है कि चलो let's find out some midway between the conscious and unconscious. Let's turn to the next question. Freud's structural theory suggests that human personality has three key structures. देखिए तीन three structures कहा जाता है, कौन से? Which serves as the source of all psychic energy. तो वो जो three personality structure कौन कौन से है? तो first है id, दूसरा है ego और तीसरा है super ego. ये जो है ये three structure है. और ये three structure क्या या three key structures है. तो इसमें which serves as the source of all psychic energy. तो इसमें से साइकिक एनर्जी इस हमें कौन से स्ट्रक्चर से मिलती है? तो वो मिलती है ईड से. ये ईड क्या होता है? इट इज़ लाइक अ ब्लाइंड एनिमल, उसको कुछ भी दिखता नहीं है. ये ईड को, ये ईड क्या है? इट इज़ फुल ऑफ पैशन और फुल ऑफ लस्ट, ये चीज़ें इसमें होती है. और यही पैशन और लस्ट यही हमारा क्या है, ये सृष्टि का सोर्स है. Now let's turn to the third question. The essential component of Freud's personality theory that serves to alert the ego to internal or external danger is what? वो है anxiety. तो Freud's का personality theory है, उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी जानकारी दी थी. personality theory क्या होता है, इसमें id का role क्या होता है, ego का role क्या होता है, सुपर ईगो का रोल क्या होता है, लिबिडो का रोल क्या होता है, डिफेंस का रोल क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको उस लेक्चर में एक्सप्लेन की थी. तो ये जो पर्सनैलिटी थ्योरी है इसमें जो है सर्व्स टू अल्टर द ईगो टू द एक्सटर्नल और एक्सटर्नल और इंटरनल डेंजर. जो जो ईगो है वो क्या है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल डेंजर एक्सपोज करता है. किसके माध्यम से? एंग्जाइटी के माध्यम से. दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द गोल ऑफ ऑल डिफेंस मैकेनिज्म्स, देखिए क्या पूछा है. द गोल ऑफ ऑल डिफेंस मैकेनिज्म एंड द बेसिस ऑफ ऑल न्यूरोसिस इन फ्रूड्स थ्योरी ऑफ साइकोनालिसिस और साइकोपैथोलॉजी इज, तो वो क्या है? रिप्रेशन है. वो रेसिस्टेंस नहीं है, वो ट्रांसफरेंस नहीं है, वो कैथर्सिस नहीं है. तो ये तीनों भी बाकी टर्म्स है. रेसिस्टेंस क्या होता है, ट्रांसफरेंस क्या होता है, कैथर्सिस क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम फ्रूड की थ्योरी स्टडी कर रहे थे उस वक्त, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. तो रिप्रेस क्या होता है? रिप्रेस यानी कुछ लोग या व्हाट वी विल से सम फीलिंग्स आर रिप्रेस्ड एंड दे आर नॉट एक्सपोज्ड बाय एनी वर्ड. तो ये फीलिंग्स हो गए या इमोशंस हो गए, इमोशन ये भी क्या की जाती है? रिफ्रेस की जाती है, यानी दबाकर रखी जाती है. और ये रिफ्रेशन किसकी वजह से उसको डोमिनेंट
एलिमेंट कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है कल्चर। याद रखिए, हमारी कल्चर हमको रिफ्रेश करने के लिए बार बार प्रेस करती है, इसलिए मेनी टाइम्स आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर रिफ्रेश्ड। नाउ लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिसर्च हैज़ फाउंड दैट -10% ऑफ साइकोअनालिटिक थेरेपिस्ट हैव अंडरगॉन थेरेपी देमसेल्व्स, टिपिकली एवरेजिंग -10 hours ऑफ थेरेपी। तो कितने 90% जो है, तो 90% ऑफ साइकोअनालिटिकल थेरेपिस्ट हैव अंडरगॉन थेरेपी देमसेल्व्स, टिपिकली एवरेजिंग 400 to 500 hours ऑफ थेरेपी। तो जो साइकोअनालिटिकल थेरीज हैं उसमें जो 90% रिसर्च जो क्या वो उसमें क्या फाइंड आउट हुआ है कि 90% साइकोअनालिटिकल थेरेपिस्ट हैव अंडरगॉन थेरेपी देमसेल्व्स, खुद को उन्होंने ये करके पहले देखा है, कोशिश करके लिए है। और कितने वक्त तक, तो 400 से लेकर 500 hours। ये दैट इज़ नॉट सो सिंपल एंड ईजी थिंग, इतने वक्त तक खुद को कैद करके लेना और कुछ रिसर्च खुद पे करना, ये बहुत ही बड़ी अहम चीज़ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर साइकोअनालिसिस एंग्जाइटी इज द रिजल्ट ऑफ -, ये किसका रिजल्ट है? तो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंस्टिंक्शनल ड्राइव्स अवेयरनेस ऑफ अल्टीमेट कंसर्न्स, व्हाइल इट इज द रिजल्ट ऑफ -- फॉर एग्जिस्टेंशलिस्ट। तो ये क्या है, यहाँ पे है, ये ऐसा हम डिवाइड कर सकते हैं, ये और ये अवेयरनेस ऑफ अल्टीमेट कंसर्न्स, रिजल्ट ऑफ अवेयरनेस ऑफ अल्टीमेट कंसर्न्स, और ये क्या है, इंस्टिंक्शनल ड्राइव्स, ये इधर या उत्तर उसका आएगा। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू फोकस, फॉर साइकोअनालिसिस एंग्जाइटी इज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टिंक्शनल ड्राइव्स। तो ये जो इंस्टिंक्शन अंदर से आने वाली जो ड्राइव्स है उसका ये एंग्जाइटी रिजल्ट होता है। व्हाइल इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अवेयरनेस ऑफ अल्टीमेट कंसर्न्स, अलग अलग ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स, तो जो अवेयरनेस हमें होता है आजू बाजू का, उसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू से दैट देर इज़ नो फ्रीडम एंड नो चॉइस एंड देयर फॉर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि नो फ्रीडम है, नो चॉइस है, इसके लिए नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कहाँ कहा जाता है, ये किसका मेन फीचर है? तो ये है साइकोअनालिसिस का मेन फीचर। साइकोअनालिसिस यानी द एनालिसिस ऑफ साइकी और द एनालिसिस ऑफ आवर माइंड, माइंड का जो एनालिसिस किया जाता है उसको साइकोअनालिसिस कहा जाता है। तो देर इज़ नो फ्रीडम, नो चॉइस, therefore no responsibility which is concerned to the psychoanalysis. Now let's turn to the next question. To have a client just freely say whatever comes to mind, free association, no matter how trivial the thought may seem, would most likely to be associated by psychoanalyst. Again, ye psychoanalysis ke bare mein question hai. So to have a client just freely say वॉट एवर कम्स टू माइंड, कोई क्लाइंट रहता है, कोई पेशेंट रहता है, जो भी उसके माइंड में आता है वो फ्रीली बात करता है, नो मैटर हाउ ट्रिवियल द थॉट में सीम, और जो भी वो बात कर रहा है वो कितनी घिलौनी है, कितनी सिंपल है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इसके बारे में कोई भी मतलब नहीं होता, खाली वो बात करते रहता है और जितनी भी चीज़ें उसके अनकॉन्शियस या हम क्या कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड में गंदगी की तरह छिपी हुई है वो पूरी धो डाला होता है, उसे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइको एनालिस्ट कहते हैं। नाउ लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म डील्स विद अ वर्क ऑफ लिटरेचर प्राइमरीली एज एन एक्सप्रेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम बड़े बड़े जो राइटर्स देखते हैं, जैसे हमने लॉरेंस देखा है या शेक्सपियर देखा है, ये सभी राइटर्स के लिटरेचर जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ द प्राइमरी एन एक्सप्रेशन, जो भी अंदर सबकॉन्शियस में छुपा हुआ है वो बाहर आता है इन फिक्शनल फॉर्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
कभी कभी फिक्शनल फॉर्म में क्यों, तो कभी कभी जो हमें सही बात बतानी होती है तो हम बता नहीं सकते, तो हम वहाँ फिक्शनल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं या और कोई अलग ज़रिया इस्तेमाल करते हैं, और जो भी छुपा हुआ है वो सब कुछ हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये इसे कहा जाता है साइकोनॉटिकल क्रिटिसिज्म। इट इज़ ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑथर। और ये इंडिविजुअल ऑथर का क्या है, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है और द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी होता है, ये किसी न किसी माध्यम से एक्सपोज हो ही जाता है। दैट इज़ मोस्ट कंसिडरेबल मैटर और थिंग। तो या सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी राइटर होता है, वो राइटर जो भी कुछ लिखता है वो क्या होता है, फिक्शनल होता है। और वो फिक्शनल क्यों फिक्शनल कहा जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से वो अपने दिल में छुपी हुई हर बात पुटअप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज डच अप्रोच एमर्ज्ड इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी। अभी 19th सेंचुरी में तो बहुत सारे अप्रोच ओरिजिन हुए हैं, फेमिनिज्म है, मार्क्सिज्म है, और बहुत सारे अलग अलग इज़म है, ये उसी वक्त क्रिएट हुए हैं 19th सेंचुरी में। बट अब क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, एज अ पार्ट ऑफ रोमांटिक रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर माइमेटिक एंड प्रैग्मेटिक व्यूज। तो अर्लियर जो माइमेटिक और प्रैग्मेटिक व्यूज थे, वो व्यूज़ को रिप्लेसमेंट करने के लिए, और एक्सप्रेसिव व्यूज ऑफ नेचर ऑफ लिटरेचर, तो कौन सी थ्योरी है, वो है साइकोलॉजिकल थ्योरी। वो कब हुआ, 19th सेंचुरी में फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन हुई है। बाद में फ्रीड जैसा जो साइको एनालिस्ट है, उसने ये थ्योरी को एक अलग या नया रूप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू फिलोसोफर्स डेवलप्ड द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म। तो अब यह हम मार्क्सिज्म की ओर टर्न दिया है। अब तक के जो 10 क्वेश्चन हमने देखे हैं वो साइकोनॉटिकल क्रिटिज्म के थे, अब हम मुड़ते हैं मार्क्सिज्म की ओर। तो मार्क्सिज्म में एक दो मेजर क्रिटिक्स थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। एक था कार्ल मार्क्स, जिसने दुनिया पर राज किया, और दूसरा है फ्रेडरिक एंजल। फ्रेडरिक एंजल, तो ए एंजल्स, ये दोनों ने क्या किया, मार्क्सिज्म नाम की एक थ्योरी डेवलप की है। एक्चुअली इसे मार्क्सिज्म अभी कहा जाता है, लेकिन पहले जब मार्क्स ने डेवलप की तो उसे कम्युनिज्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कम्युनिज्म। चलो अब मुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वर्ड डिड मार्क्स लेबल द रूलिंग क्लास विद। रूलिंग क्लास को उसने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो उसने बुर्जुआ यह लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। बुर्जुआ यानी हाई क्लास, जनरली जो ऊपर का क्लास होता है वही रूलिंग क्लास होता है, और बाकी जो क्लास होते हैं जो नीचे वाले रह गए 2, 3, 4, ये जो क्लासेस है ये दे आर रूल्ड, एंड रूलिंग क्लास इज हाई क्लास, जिसके पास जो प्रॉपर्टी इकट्ठा हुई है वही रूल करता है। नाउ लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रूलिंग क्लास यानी बुर्जुआ वेयर कॉल्ड द बुर्जुआज, व्हाट वेयर द वर्कर्स नेम्ड बाय मार्क्स। यानी यहाँ ने क्या किया है, उसने कार्ल मार्क्स ने एक अजीब से डिवाइड किया है, जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग के लिए उसने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया, बुर्जुआ BURGEOISE, और जो रूल्ड क्लास है या जिसे हम वर्कर्स क्लास कहते हैं, वर्कर्स, उसको उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसका नाम है प्रोलेटेरिएट। क्या है, प्रोलेटेरिएट, ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मार्क्सिज्म। अब जिस तरह फेमिनिज्म है, साइकोनॉटिकल क्रिटिसिज्म है, उसी तरह मार्क्सिज्म की भी कुछ अलग अलग ब्रांचेस है। उसमें से जो मेन ब्रांचेस है, एक है ह्यूमैनिस्ट और दूसरी है स्ट्रक्चरल ब्रांच। तो ये ह्यूमैनिस्ट और स्ट्रक्चरल ब्रांच क्या होती है, इसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी मार्क्सिज्म जब हम देख रहे थे उस वक्त देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमैनिस्ट मार्क्सिज्म इज़ इफ़ ह्यूमैनिस्ट मार्क्सिज्म
is where moral leaders will help the workers break free from exploitation. What do you think Marx thought would happen in his structural Marxism theory? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे, या ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म में यदि जो मॉरल लीडर्स है वो जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, तो मार्क्सिस्ट थॉट रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में क्या हो सकता है? तो द वर्कर्स वुड कीप बींग एक्सप्लॉयटेड अनटिल दे कुड नो लॉन्गर कोप एंड वायलेंट रिवोल्यूशन वुड ऑकर। यानी ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म में क्या होता है, जो होली लीडर्स है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की कोशिश करते हैं और बचाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट में क्या होता है, तो जितने भी लेबर्स है वर्कर्स है तो उसको बचाया नहीं जाता, उनको अंदरूनी उनका जो सोई हुई जो आत्मा है वो जगाई जाती है और उन्हें जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भड़काया जाता है और एक रिवोल्यूशन को जन्म दिया जाता है। ये कहा होता है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 1960s-70s फिलोसोफर बिलीव्ड इन द स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म थ्योरी? ये बहुत सही है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म थ्योरी, तो उसमें लुइस अल्थुजर है, इसका क्या कहना है कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में वो सभी चीज़ें होनी चाहिए जिसके माध्यम से जो जुल्म सहने वाला सोसाइटी का क्लास है उसने रिवोल्ट करना चाहिए, उसने रिवोल्यूशन की ओर झुकना चाहिए, उन्हें किसी ने भी उनकी ओर सहानुभूति की नज़र से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक नीसे शेयर्ड --- व्यूज ऑन सोसाइटी। तो उनके जो ओपिनियंस है वो डिससिमिलर थे, अलग अलग व्यूज थे। कार्ल मार्क्स का कहना एक अलग था, उसका जो कहना है किसी और ओर झुकता है और नीसे का कहना किसी और ओर जाता है, तो ये जो है इनका जो मत है वो डिससिमिलर है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट कम्युनिज्म? देखिए, दुनिया का ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने पहली बार कम्युनिज्म एक्सेप्ट किया? तो वो है रशिया, क्योंकि रशिया में रशियन रिवोल्यूशन हुआ था। कब हुआ था जानते हो आप? वो हुआ था 1917 में, और उससे उन्होंने उस रिवोल्यूशन में कम्युनिज्म एक्सेप्ट किया था, और कम्युनिज्म इज़ द नेम ऑफ मार्क्सिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स बिलीव्ड रशिया वुड बी द लास्ट कंट्री टू टर्न कम्युनिस्ट, स्टेटिंग दैट इट वॉज टू बैकवर्ड। देखिए, कार्ल मार्क्स का उस जमाने का एक ओपिनियन था, क्या ओपिनियन था कि हालांकि कार्ल मार्क्स तो 19वीं सदी के एक बहुत बड़े विचारवंत थे, फिलासफर थे, उनका क्या कहना था कि दुनिया का रशिया यह देश सबसे आखिरी में कम्युनिज्म वहाँ आएगा, और सबसे पहला मार्क कम्युनिज्म आएगा ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ के लोग सीखे पड़े हैं। ऐसा किसका कहना था? कार्ल मार्क्स का कहना था, लेकिन हुआ क्या, पहली बार एट द बिगिनिंग कम्युनिज्म का आ गया रशिया में आ गया, यानी कार्ल मार्क्स का जो कहना है वो गलत हो गया। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्मॉल पैम्पलेट लाइक बुक रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजेल्स आउटलाइनिंग और आउटलाइनिंग ऑल ऑफ द आइडियाज ऑफ कम्युनिज्म? कम्युनिज्म की सभी आइडियाज इकट्ठा करने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन किताब कौन सा है, और उसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल है ये, कार्ल मार्क्स ने लिखा, लेकिन इसमें कैपिटलिज्म कैसा काम करता है वो दिखा दिया है, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किताब है, ये मार्क्स और एंजल ये दोनों ने मिलकर लिखी है, इसलिए ये जो किताब है ये दुनिया की सबसे मशहूर किताब मानी जाती है, जिसमें फेमिनिज्म के मार्क्सिज्म के सभी एस्पेक्ट्स पुटअप किए गए हैं, और कार्ल मार्क्स को भरोसा था कि ये किताब एक दिन दुनिया में करिश्मा निर्माण करेगी, और उसका जो
शिष्य है फ्रेडरिक एंजल्स, उसका भी कहना था कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाएगी, लेकिन वक्त के बराबर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का महत्व भी धीरे धीरे कम हो गया। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड 20 ब्यूटिफुल क्वेश्चंस इन दिस सेशन एंड आई थिंक इट्स इनफ इन दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विथ न्यू गुड क्वेश्चंस कंसर्निंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म। थैंक यू वेरी मच।